Assalamualaikum and welcome to my channel Knowledge O'Clock. इस वीडियो में मैं बात करूंगी यमन कॉन्फ्लिक्ट पे. यमन कॉन्फ्लिक्ट को भी मैं स्टोरी टेलिंग अंदाज में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं. नहीं समझ आता कौन किसके साथ फाइट कर रहा है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही आसान अल्फाज में समझ आ जाएगा. तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि 2011 में शुरू होते हैं मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट, जिसे अरब स्प्रिंग और अरब अपराइजिंग के नाम से याद किया जाता है. ये प्रोटेस्ट बेसिकली सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट है जो मिडिल ईस्ट में अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ या अपने अथॉरिटेटिव रूलर्स के खिलाफ किए जाते हैं. जब तुनिसिया में बुजुजी नाम का शख्स खुद को गुर्बत से तंग आके आग लगा लेता है. इन्हीं प्रोटेस्ट के नतीजे में तुनिसिया के प्रेसिडेंट जैनुल आबदीन को हटा दिया जाता है. साथ ही साथ इजिप्ट में हुस्ने मुबारक को और लिबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया जाता है. प्रोटेस्ट तो भाई यमन में भी होते हैं, और यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह को पावर से हटाने की डिमांड की जाती है. लेकिन जाहिर है इतनी आसानी से तो पावर कोई भी नहीं छोड़ता. अब बात दरअसल ये है कि प्रोटेस्ट तो 2011 में शुरू हो जाते हैं और अपने अपने रूलर्स को पावर छोड़ने की डिमांड की जाती है, लेकिन यमन की अगर मैं बात करूँ तो 2011 के अरब स्प्रिंग और अरब अपराइजिंग से पहले भी यमन के कोई खास अच्छे हालात नहीं थे. इससे पहले भी यमन कोई वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं था. यमन की हिस्ट्री में अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि यमन एक्चुअली 1990 में यूनिफाइड होता है. इससे पहले यानी कि 1990 से पहले यमन दो हिस्सों में डिवाइडेड था. साउथ यमन, जो पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन कहलाता था उस दौर में, यहाँ पे यानी कि साउथ यमन में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज फॉलो होती थी और इस पार्ट को रशिया सपोर्ट करता था. नॉर्थ यमन, जिसे यमन अरब रिपब्लिक कहते थे उस दौर में, नॉर्थ यमन वैसे तो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे ज़ैदी शिया ग्रुप्स को भी ऑटोनॉमी हासिल थी. अब कोल्ड वॉर के बाद जब रशिया का यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो अपने डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया साउथ यमन को सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके हालात मजीद ख़राब हो जाते हैं. क्योंकि नॉर्थ यमन के हालात तो फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन साउथ यमन के हालात पहले ही यानी कि शुरू से ही ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से साउथ यमन और वीक हो जाता है. और नॉर्थ यमन इस मौके से फ़ायदा उठा के साउथ यमन को अपने अंडर ले लेता है, और यूँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस के बाद यमन यूनिफाइड हो जाता है 1990 में, और अली अब्दुल्ला सालेह एज अ प्रेसिडेंट यमन में पावर में आ जाते हैं. अब यमन यूनिफाइड तो हो चुका है, लेकिन क्राइसिस तो अभी भी हैं. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त साउथ यमन में कुछ और आइडियोलॉजीज फॉलो होती थी और नॉर्थ यमन में कुछ और आइडियोलॉजीज फॉलो होती थी. उनके अपने कुछ अलग ख्यालात थे. अब जब ये दो स्टेट्स यानी कि नॉर्थ यमन और साउथ यमन यूनिफाइड हो गए हैं, इनका यूनिफिकेशन हो गया है, तो मुख्तलिफ लोग भी आपस में मिल गए हैं जिनके अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने ख्यालात हैं, और ज़ाहिर है अपने नज़रियात में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता. इसी तरीके से यमन में भी यही होता है. यमन में कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो इस यूनिफिकेशन से खुश नहीं होते और चाहते हैं कि हम दोबारा से वैसे ही हो जाएं जैसे कि हम पहले थे, यानी कि नॉर्थ और साउथ यमन दोबारा से अलग अलग हो जाएं. इनमें से एक ग्रुप साउदर्न ट्रांसनेशनल काउंसिल है. ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यमन के यूनिफिकेशन से खुश नहीं है, और ये चाहती है कि हमारा साउदर्न पार्ट दोबारा से पूरे यमन से अलग हो जाए और हम अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करें और सारी पावर्स हमारे पास हों.
इसके अलावा एक ग्रुप होतीस का होता है जिसके फाउंडर अब्दुल मालिक अल होती होते हैं। होती बेसिकली ज़ैदी शिया ग्रुप है, यानी ज़ैदी शिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुतालबा ये है, यानी कि जिसकी डिमांड ये है कि उसे यमन की पॉलिटिक्स में इक्वल पार्ट मिलना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। आसान अल्फाज में यूं कह लें कि पावर हमारे हाथ में हो। अब यमन यूनिफाइड हो चुका है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हैं, और इन क्राइसिस के अलावा भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस यूनिफिकेशन से खुश नहीं हैं और अपने पार्ट को पूरे यमन से अलग करना चाहते हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट में पार्ट लेना चाहते हैं, अपनी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और इक्वल पावर चाहते हैं। अब जिस कंट्री के ऐसे हालात होंगे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस तो हैं ही, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा से यमन डिवाइड हो जाए या हमें पावर मिल जाए। तो ऐसी कंट्रीज टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए बेहतरीन प्लेसेस होती हैं कि वो आए इन कंट्रीज में और अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दें। 2000 में यमन में अब अलकायदा दाखिल हो जाती है और अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देती है। अब यहाँ पे छोटे मोटे क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स तो चल ही रहे थे, लेकिन 2011 में आ जाता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग बेसिकली सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है जो मिडिल ईस्ट में अपने अपने अथॉरिटेटिव रूलर्स के खिलाफ किए जाते हैं, और ऐसे ही प्रोटेस्ट यमन में भी किए गए अली अब्दुल्ला सोलह को हटाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि इतनी आसानी से पावर कोई नहीं छोड़ता, तो जाहिर है प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सोलह भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अली अब्दुल्ला सोलह जुम्मे की नमाज अदा करने जाते हैं मस्जिद, और वहाँ पे वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में शदीद जख्मी हो जाते हैं। अपने साथ पेश आने वाले इस खतरनाक हादसे के बाद अली अब्दुल्ला सोलह रिजाइन कर देते हैं और पावर अपने वाइस प्रेसिडेंट मंसूर हादी को दे देते हैं। अब पावर में आ जाते हैं मंसूर हादी। अब कुछ लोग मंसूर हादी से भी खुश नहीं होते। यमन की जो मिलिट्री है वो आपस में डिवाइड हो जाती है, यानी कि उनमें आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं। कुछ मिलिट्री के लोग अली अब्दुल्ला सोलह को फेवर कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि अली अब्दुल्ला सोलह को ही पावर में रहना चाहिए। इसके अलावा यमन के क्राइसिस भी इतने शदीद हो गए थे कि मंसूर हादी से वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस तो थे ही, लेकिन इंसर्जेंसीज भी चल रही थी। साउदर्न ट्रांसनेशनल काउंसिल चाह रहे थे कि हमने अलग होना है पूरे यमन से। होतीस ग्रुप चाह रहे थे कि पावर हमें मिलनी चाहिए, हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसके अलावा अलकायदा भी अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए थी। अब ये सारे इश्यूज मंसूर हादी से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब होतीस ग्रुप क्या करते हैं, होतीस ग्रुप मंसूर हादी को तो साइड में कर देते हैं, यानी कि उनको हटा देते हैं और खुद पावर में आ जाते हैं जबरदस्ती। होती ग्रुप पहले तो सादा को कंट्रोल करता है, इसके बाद होती ग्रुप यमन के कैपिटल यानी के सना को कैप्चर कर लेते हैं। मंसूर हादी जाते हैं सऊदी अरब के पास और उनसे कहते हैं कि भाई यमन में ये सब चल रहा है, आप थोड़ी सी मेरी मदद कर लीजिए। सऊदी अरब को जब ये पता चलता है कि होती ग्रुप को एक्चुअल में ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो सऊदी अरब को परेशानी होती है कि कहीं ये यमन ईरान के कब्जे में ना चली जाए, यानी कि यमन ईरान का सैटेलाइट स्टेट ना बन जाए। तो सऊदी अरब मंसूर हादी की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। सऊदी अरब इन ग्रुप्स पे एयर स्ट्राइक करते हैं, जिसके बदले में ये ग्रुप भी सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन अटैक करता है। सऊदी अरब को इस मामले में यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी सपोर्ट कर रही हैं। यूएसए सऊदी अरब को इस मामले में क्यों सपोर्ट कर रहा है, कि वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब यूएसए से बड़ी तादाद में वेपन्स खरीदता है, और ये मिलिट्री इंडस्ट्रीज तो चाहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो, क्राइसिस हो, वॉर्स हो, ताकि इनके वेपन सेल हो। अब इसके बरअक्स ईरान भी होती ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है,
अली अब्दुल्ला सालेह जो रिज़ाइन कर देते हैं, वो दोबारा से पावर में आने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि अली अब्दुल्ला सालेह होती ग्रुप्स के साथ मिलके एक पॉलिटिकल काउंसिल बनाते हैं, जिसके जरिए वो यमन में उन एरियाज पे गवर्न कर सकते हैं जो एरियाज उनके कब्जे में हैं, यानी कि जो एरियाज होती ग्रुप्स ने कैप्चर कर रखे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद अली अब्दुल्ला सालेह होती ग्रुप के साथ मिलके बनाई हुई ये पॉलिटिकल काउंसिल खत्म कर देते हैं और अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि वो होती ग्रुप के साथ फाइट करें। लेकिन इस फाइट में अली अब्दुल्ला सालेह मारे जाते हैं और इनके सपोर्टर्स को शिकस्त हो जाती है। इसके बाद अली अब्दुल्ला सालेह के लॉयलिस्ट यानी कि उनके फॉलोअर्स सऊदी अरब के साथ मिल जाते हैं और सऊदी अरब के साथ मिलके होती ग्रुप के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यमन में एक तरफ मंसूर हादी की गवर्नमेंट है जिसे सऊदी अरब और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ होतीज ग्रुप हैं जिसे ईरान सपोर्ट कर रहा है और इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स कभी बहुत इंटेंस हो जाते हैं तो कभी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए थम जाते हैं। तो ये था यमन कॉन्फ्लिक्ट। उम्मीद है कि आसान अल्फाज में समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।